Hello everyone, my name is Asim Sheikh and today I'll be talking about some facts and history about Persian cats. But before starting, I just like to say something about the pet animals. Those who have pets should love them, provide for them and care for their needs. Loving an animal is not wrong as long as we love people more. So that was just a phrase for all my viewers, subscribers. Today talking about this Persian cats. This Persian cats is also known as Persian long hair. Actually, ये जो इनकी शुरुआत हुई थी ये मिडल ईस्ट से हुई थी, ईरान से. ईरान को पहले पर्जिया कहा जाता था. तो ये वो ज़माने से 1620 is the exact year, you know, from where it was brought and in the history. The exact history of the Persian cat does seem a bit of a mystery. Some say, like, you know, it was imported into Europe as their popularity grew and breeding took place in Italy and France also later. साल 2015 में ये Persian cat को सबसे ज़्यादा popular, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रीड इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूरोप माना गया. तो इनकी लोकप्रियता बढ़ती ही गई वेस्ट वर्ल्ड में, और पहले से ये मिडल ईस्ट से थे तो वहाँ तो ये फेमस ही थे पहले से. द पर्शियन इज जनरली डिस्क्राइब एज अ क्वाइट कैट, नॉट वेरी एग्रेसिव, ज़्यादा झगड़ालू नहीं होती, टिपिकली लाइक सिंपल इन नेचर एंड अडेप्ट क्वाइट वेल इन टू अपार्टमेंट लाइफ. यू नो, वो पूरा दिन आपके रूम में बिता सकती है. ये जो ब्रीड है थोड़ी लेजी है, जो जिसको एक पेट नेम दिया गया है, लाइक अ निक नेम फॉर दिस कैट इज़ लाइक फर्नीचर विथ फर. तो ये बहुत ही ज़्यादा लेजी होती हैं, बहुत देर तक एक ही जगह बैठ सकती हैं. ये जो ब्रीड है ये अलग अलग कलर्स और वैरायटी में आती है. पर्शियंस में like have many different colors variation. There are more than 80 different fur colors. 80 से ज़्यादा कलर हैं इनके. कुछ कलर्स के नाम ले लेता हूँ मैं. क्रीम, स्मोक ब्लू, ब्लैक, सॉलिड सिल्वर, ये अलग अलग कलर्स हैं. क्वीन विक्टोरिया है 2 ब्लू पर्जियंस. द फेमस रॉयल मोनार्च ऑफ द यूनाइटेड किंगडम वॉज द प्राउड ओनर ऑफ 2 ब्लू पर्जियन. दैट ब्रॉट अ पॉपुलैरिटी इन कीपिंग पर्शियन कैट्स इन ब्रिटेन दैट टाइम. क्वीन ने रखा तो उसका जो फेमस हो गई ये कैट पूरे ब्रिटेन में और वेस्ट वर्ल्ड में. तो ये देखा गया हमको. तो अभी मैं जहाँ आया हूँ, नईम भाई है हमारे. टुडे विल बी टॉकिंग टू मिस्टर नईम, हु इज़ द प्राउड ओनर ऑफ द कैट विच यू आर लुकिंग नाउ इन द वीडियो. सो नईम भाई से मैं कुछ सवाल पूछूँगा उनकी कैट के बारे में. I'll ask some questions like how much it cost, maintenance, about maintenance and different things, and then we will take this forward. So, Naeem bhai, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप सुनाइए. मैं भी अच्छा हूँ. मैं कुछ सवाल पूछता हूँ नईम भाई आपसे. ये कैट कौन कौन से टाइप में आती हैं? ये तो बहुत पर्शियन हैं, बहुत तरह की रहती हैं. एक नॉर्मल फेस वाली, एक डॉल फेस वाली. और आप इनको खिलाते क्या? इनको हम खिलाते हैं विस्कस, कैट फूड आता है. और जैसा मच्छियाँ खिला दिए, अलग अलग चीज़ें खिला दिए, नॉन वेज खिला दिए. मतलब ज़्यादा खर्चा नहीं है, लाइक हम घर का खाना भी खिला सकते हैं. हाँ, घर का भी खाना खिला सकते हैं. और मेडिसिन्स के बारे में कुछ बताइए इनको, दवा वगैरह? ज़्यादातर एक पाउडर यूज़ होता है ताकि इनके बाल जल्दी ना गिरे. अच्छा, इनके हेयर फॉल होते हैं? हेयर फॉल होते हैं इनके, तो संभालना पड़ता होगा. हाँ. तो ये कैट कितने की मिलती है? ये स्टार्टिंग बच्चे 5000 से स्टार्ट होते हैं, और ये आपको कई लाखों तक भी मिल सकती है. इनकी बहुत डिमांड है मार्केट में. ये अलग पर्शियन कैट हैं, अलग इनकी बहुत डिमांड है या इंडिया मार्केट में. तो व्हाट शफीक इज नईम इज टेलिंग हियर इज लाइक द कैट कैन बी सोल्ड, द चाइल्ड, द किटन कैन बी सोल्ड फॉर 5000 ईच ऑल्सो, एंड इट गोज to a maximum limit. It depends all on the colors and the breeds. So, और normally पालने में इनको कोई तकलीफ आती है? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है. ये हमारी बात भी सुनती है. जब आप इनको आवाज़ देंगे तो वो अपने पास आती है,
उनको खाने का टाइम पता है तो वो अपने आप पास आके बैठ जाती हैं हमारे पास खाने के लिए। और अगर इनको खरीदना हो तो कहाँ से खरीद सकते हैं हम लोग? अभी जैसा पहले यहाँ क्रॉफर्ड मार्केट में मिलता था, पर अभी हाई कोर्ट ने वहाँ से बंद कर दिया है, तो आप अभी आप OLX पे खरीद सकते हैं। OLX पे ये मिल रही हैं। नहीं भाई, आप बेचते हैं क्या कैट? हाँ, मैं बेचता भी हूँ। अच्छा, सो वॉट नेम इज टेलिंग लाइक इन मुंबई वी हैड अ वेरी फेमस सो इन मुंबई लाइक वी हैड अ वेरी फेमस मार्केट बट इट्स क्लोज नाउ बिकॉज ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डर, सो वी कांट बाय द कैट फ्रॉम देयर। सो नॉर्मली पीपल कैन बाय ऑन OLX एंड मिस्टर नईम ऑल्सो सेल्स, सो आई पुट हिज नंबर इन द कमेंट सेक्शन और इन द डिस्क्रिप्शन। जस्ट बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर अ स्मॉल स्टोरी अबाउट माई फ्रेंड एंडी हु इज़ माई फ्रेंड एंड माई कलीग ऑल्सो। लास्ट वीक वी हैड अ बिग रेन इन मुंबई एंड ही फाउंड अ स्ट्रे कैट विच वॉज लाइक 20 डेज ओल्ड ऑन द रोड विद सम वाउंड्स ऑन हिज बॉडी एंड ऑल। ही ब्रॉट दैट कैट विथ हिम टू हिज हाउस, kept very good in condition, and he took him to doctor, took some x-rays and all medicines, but sadly that cat died today. So I'm a bit sad today, I'm sad today and feeling sorry for Andy for his loss, but Andy showed like a great heart, like and he tried his level best, so we all would like to thank Andy for this. So by saying this, I end this video. Thanks a lot. Take care and please do subscribe my channel. Thanks a lot. Bye.